ABPS न्यूज़। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों के अधिकारों को लेकर चर्चा हुई और संगठन पदाधिकारियों ने एकजुटता की आवाज उठाई। बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा में आज सोमवार को आयोजित बैठक में प्रधानों के अधिकारों के लिए प्रदेश स्तरीय टीम ने प्रधानों से बात की। प्रदेश स्तरीय टीम का नेतृत्व कर रहे संगठन के प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रधानों के अधिकारों का हनन कर रही है। पूर्व की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 1992 में प्रधानों को कई अधिकार दिए थे, लेकिन आज उनके अधिकारों को प्रयोग नहीं होने दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान को नेता, सरकार, सरकारी तंत्र सभी परेशान कर रहे हैं। प्रधानों के खिलाफ रहने वालों को संगठन द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कोष अध्यक्ष व बड़ी संख्या में प्रधानों ने पहुंचकर बैठक को सफल बनाया। जहाँ पर हम लोगों को बदलाव करने की कोशिश सरकार द्वारा या ब्लॉक द्वारा अधिकारियों द्वारा ना की जा रही, तो ऐसा कोई कोना नहीं बचा इस प्रदेश का जिसमें ग्राम प्रधान ये कह सके कि हाँ मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ या मुझे कोई परेशानी नहीं। परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। चाहे अगर आप शौचालय की बात कर रहे हैं तो शौचालय हो या आवास, सड़क बनाओ या जो और योजनाएं आती हैं जिन्हें धरातल पर लाने का काम सिर्फ ग्राम प्रधान करता है, अधिकारी नहीं करता। उसी प्रधान को तरह तरह से बदनाम करने का पूरा प्लान बना के बैठे हुए हैं। और अब जो हमारे उपयुक्त जो अधिकार थे 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से अब हमारे पास उनमें से एक भी अधिकार बचा हुआ नहीं।